बिहार का एक जिला भोजपुर। जिला भोजपुर का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। भोजपुर के लोग इन दिनों डर में जी रहे हैं। मगर यहाँ के लोग जीवांत होते हैं। बरसों पहले एक कविता आपने सुनी होगी, उस कविता के कुछ पंक्तियां हम आपको सुना रहे हैं। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला देख, तेवर तूफान का तेवरी तन गई। मौत से ठन गई और मौत को भी रास्ता बदलना पड़ा। जी हाँ, यह पंक्तियां हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनकी कही एक एक शब्द जीवांत रूप में नजर आते हैं। और यह पंक्तियां हमारे उस कोरोना योद्धाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो इस मौत के सागर को पार करके बिल्कुल जिंदा लौट आए हैं। मौत को चुनौती देने वाले ही 8 कोरोना वर्ष विजेता पर फूल बरसाने के लिए सभी लोग खड़े थे। और जैसे ही क्वारंटाइन सेंटर से भोजपुर के रहने वाले 8 मरीज बाहर निकले, इनका हौसला अफजाई के लिए भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा के अलावे सदर अस्पताल के सीएस डॉक्टर ललितेश्वर प्रसाद झा, एडीएम सहित कई अधिकारी वहां मौजूद थे। लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते रहे, लोग उनकी वाहवाही करते रहे, फूलों की वर्षा हो रही थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से उन पर फूलों की वर्षा की गई। वीडियो में किस तरह यह मौत को हराने के बाद यह कोरोना विजेता यहां से जा रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। मौत पर विजय पाने वाले 8 इन लोगों ने, सदर अस्पताल के युवा से लेकर तमाम वर्ग के लोग थे, महिलाएं सहित कई लोगों का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस दौरान आपको सबसे पहले उस वीर योद्धा से बात करा रहे हैं, जो कोरोना रूपी मौत को हरा कर यहाँ पहुंचा। सुन लीजिए उसकी बात। पहले तो मतलब शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन जैसे ही हमने बताया वो पूरी तरीके से सचेत हो गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की हर चीज़ में, मतलब हमें सारे सामान जो बोलते थे हम वो पहुँचा दिया जाता था बिना कोई शुल्क के। और कोई भी यहाँ, और खाने पीने में भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, साफ़ सफाई, सैनिटाइज़र हर हफ्ते में 2-3 बार हो जाता था। और मतलब साफ़ सफाई में भी कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी अच्छा, मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था थी भोजपुर जिले में। अब घर पर जाके क्या करेंगे? अभी मैं 14 दिन तक क्वारंटाइन रहूँगा, एक रूम में सेपरेटेड रहूँगा, अपने आस पास परिवार वालों से थोड़ा दूर रहूँगा। रहने दीजिए, पूरा नाम बता दो। अमन उपाध्याय। अब जरा भोजपुर के डीएम की बात सुन लीजिए, वह क्या कहते हैं। पास कहीं कोई बाहर से व्यक्ति आया है, तुरंत उसको जिला प्रशासन को सूचित करें, ताकि उनको 21 दिन का जो हम लोग को क्वारंटाइन कराना है उसमें हम लोग उनको रखेंगे। और ये जो पिछले 1.5-2 महीने से हम लोगों ने जो मेहनत की है पूरी टीम ने, कि अपने पूरे भोजपुर जिले को हम लोगों ने लिमिट करके रखा है कि कोरोना के कम से कम मरीज हैं।